जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था, नासिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला यहाँ पर पहुँच सकते हैं। साथ ही एमएम ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, जो अध्यक्ष हैं तरसेम गर्ग साहब, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशाल गर्ग उनको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ संजय शर्मा हैं भाजपा के प्रभारी, मीडिया प्रभारी। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद, क्योंकि अपने आप में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वक्त सुभाष बराला यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, और दूसरी तरफ ट्रस्ट की तरफ से अभी तक 8,500 से अधिक लोगों का जो चेकअप है वो करवा दिया गया, कैसे देखें? देखिए, मैं आज जो एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और गर्ग साहब की पूरी टीम है, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अभी तक इसे बताया गया कि लगभग 8,500 लोगों का फ्री में स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है और अभी लोग आ रहे हैं। तो आज जो जिस दिन को भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, देश की जनता ने सेवा दिवस के रूप में मनाया है, और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 2 अक्टूबर तक के, यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर उस पूरे पखवाड़े को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। तो इसमें आज यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक ऐसा काम हुआ है कि जिसमें कल्पना नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा फ्री हेल्थ चेक कैंप किसी एक संस्थान के द्वारा लगाया जा सकता है। मैं एक बार फिर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और क्योंकि ये नया संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर जी के नाम से यहां पर स्थापित हुआ है, बहुत अच्छा सुंदर बड़ा खुला ये प्रांगण है, ये भविष्य में आम जन की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, ये शुभकामना मैं पूरी संस्था की टीम को देता हूं। सर, आपकी भी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। मेरी तरफ से, अम्बाला की तरफ से, आज अम्बाला का ये सौभाग्य है कि अम्बाला में बाबूजी के द्वारा, तरसेम गर्ग जी और विशाल जी के द्वारा यहाँ पर एक स्पेशली हमारी विधानसभा में, बेसिकली अम्बाला शहर में ये 150 सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है हमारी जनता के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। यहाँ पे इलाज के लिए बहुत सुविधा यहाँ पर होने जा रही है, और आज मोदी जी के जन्मदिवस के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा कैंप लगाया है। आज हमारी विधानसभा और आसपास की सभी विधानसभाओं के जो लोग हैं, 8,000 से 10,000 यहाँ पर आए हैं और अपना चेकअप फ्री करवा रहे हैं। चेकअप के अंदर उनको बिल्कुल आज फ्री सर्विस दी जा रही है, उसके लिए मैं तरसेम जी गर्ग और विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मोदी जी के जन्मदिवस के ऊपर इतना बड़ा कैंप लगवाया। और आज अभी सीएम साहब, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चेयरमैन सुभाष बराला जी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारे सीएम साहब विधायक असीम गोयल जी अभी कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद इस कैंप के अंदर जो है करके सीएम साहब अभी लोगों को संबोधित करेंगे, और इसके लिए मैं आज बाबू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम सियासी लोग हैं वो भी गदगद होते नजर आ रहे हैं। बाबू जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे, क्योंकि तो आपकी तो अभी कुछ ही देर में जब सर आप क्या कहेंगे इस मेगा कैंप? जितेंद्र जी, आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि बाबू जी तरसेम गर्ग जी ने जो नया संस्थान खोला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इतना मेगा कैंप लगाया है कि 10,000 के आसपास से लोग यहाँ आने वाले हैं, और 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स 10,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज करने वाले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा सेवा का कार्य कोई हो नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 15 दिन को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया है, मनाने जा रही है। तो आज का ये मेडिकल कैंप उनके जन्मदिन पर शुरुआत के रूप में हो रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय श्री तरसेम गर्ग जी को, उनके बेटे आदरणीय विशाल जी को, कि उन्होंने मोदी जी को इतना बड़ा तोहफा दिया है आज के दिन। तो प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर देख रहे हैं तमाम लोग। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और इस पूरे भव्य प्रांगण के अंदर जिस तरीके से सुबह से लोग इस मेगा हेल्थ कैंप में अपना चेकअप कराने में लगे हुए हैं, ये तमाम नज़ारा भी खुद मुख्यमंत्री अपनी आंखों से यहाँ पर देखेंगे। तमाम लोग अभी भी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है, और
अपना हेल्थ चेकअप उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो इंतज़ार है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो सीधी तस्वीरें भी हम दिखाने का काम यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ कमल कौशिक भी हमारे साथ है, हमारे आउटपुट हेड। कमल, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे आयोजन को? हमने कुछ जो नेता आए उनसे बात भी की, क्योंकि आम लोग जब इलाज कराते हैं तो आम लोगों को तो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, आयुष्मान योजना की हम बात करते हैं तो वो भी गरीब लोगों के लिए शुरू की गई है। एमएम ट्रस्ट का जो ये इनिशिएटिव है ये भी उसमें एक आहुति का काम कर रहा है। देखिए, आज बहुत गौरवान्वित हम भी महसूस कर रहे हैं कि आज एक पार्ट बने हैं इस पूरे कैंप के, मेगा हेल्थ कैंप, वो भी फ्री मेगा हेल्थ कैंप। और जितेंद्र, इतना मानकर चलिए आप कि जब भी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं तो उसमें पूरा समाज आपके साथ होता है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर बाद हमारे बीच में पहुंचेंगे। मैं जानकारी बता दूं दर्शकों के लिए और हमारी टीम के लिए भी कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। सुभाष बराला से आपने बातचीत भी की है। और देखिए, इस तरह के काम होते हैं तो सभी की भागीदारी के साथ होते हैं। और आज ये जब मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और बीजेपी अपने स्तर पर अपने तरीके से बना रही है, वो समाज कल्याण की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज का ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर इस तरह की पहल करता है, इस तरह के अभियान में अपनी आहुति डालता है, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कवरेज कर रहे हैं, हमारा मकसद भी सीधा सीधा ये है कि लोग इसके साथ जुड़ें, इस मुहिम के साथ जुड़ें। और ये यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये आगे तक भी जाना चाहिए, उस स्तर तक जाना चाहिए जिसमें सभी लोग, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, सभी मिलकर ऐसा काम करें। जो आज एमएम ट्रस्ट ने जो पहल की है वो पहल एक बड़ी मुहिम बनेगी, एक अभियान बनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आरोग्य होगा ये पूरा देश, और सभी लोग इस योजना से जुड़ेंगे, जो हम बात भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो एक योजना है सरकार की 5 लाख रुपए तक के बीमा की, उसका भी मकसद सीधा सीधा ये है कि लोगों को आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनको दिक्कत परेशानी ना आए, इलाज के अभाव में कोई भी ना जिए, और यही मकसद इस हेल्थ मेगा कैंप का है। जी कमल, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो मकसद है वो स्पष्ट है, और एमएम ट्रस्ट की वो तमाम जो महान विभूतियाँ जिनकी ये सोच है कि आज 10,000 लोगों को इस फैसिलिटी का फ़ायदा मिल रहा है, वो तमाम लोग आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक ये सोच अपने आप में आई है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो आमतौर पर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देने को लेकर के जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये तमाम सुविधाएँ नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम महान विभूतियों की ये सोच है कि इस प्रकार का एक मेगा हेल्थ कैंप जो है आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक की जो संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो करीब 8,500 लोग जो हैं अभी तक अपना फ्री हेल्थ चेकअप यहां पर करवा चुके हैं। साथ ही साथ सरकार की जो योजना है आयुष्मान योजना, जिसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनको इलाज मिल सकता है 5 लाख तक का, उसकी फैसिलिटी को भी लोग जो है यहाँ पर अवेल कर रहे हैं। अपना हेल्थ चेकअप कराने के बाद अगर उन्हें कोई आगे इलाज कराने की अगर समस्या नज़र आ रही है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक सोच के साथ इतना बड़ा इनिशिएटिव और उसकी सराहना होना अपने आप में जग जाहिर है कि इस प्रकार का जो कार्य है, क्योंकि अपने आप में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएँ अगर मिल जाए तो इंसान का जीवन अपने आप में आसान हो जाता है।